हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नेपाल के बारे में बताएंगे। यह एशिया में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यह अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह देश घूमने के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, इस देश में लोग आराम से कम खर्चे पर घूम सकते हैं। नेपाल में 2007 से पहले राजतंत्र होता था। उस समय इसे एकमात्र हिंदू राष्ट्र माना जाता था। फिर 2007 में एक नया संविधान आया, जिसे बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। आज के प्रेजेंट टाइम में तो आजकल हर कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहीं पे भी आराम से मस्ती कर सकते हैं, लेकिन बहुत पहले नेपाल में किस करना काफ़ी बुरा समझा जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में सब कुछ चेंज हो गया है। नेपाल में पहले केवल हिंदू धर्मों को ही ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसे सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। यहाँ पर धर्म का बड़ा महत्व है। यहाँ पर कुंवारी कन्याओं की पूजा भी की जाती है। आप यहाँ पर साधु सन्यासियों को हर जगह पर घूमते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक होने पर भी कभी भी यहाँ पर दंगा नहीं होता है। नेपाल अपने आप में एक अनूठा देश है। यहाँ की आबो हवा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर विभिन्नता में एकता है। यहाँ पर एयरपोर्ट बहुत ही कम है, शायद इसीलिए यहाँ पर हवाई सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। 19वीं शताब्दी के पास यहाँ की जनता का जीवन स्तर बहुत ही नीचा था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ का जीवन स्तर काफ़ी सुधर गया है। सबसे अहम बात यह है कि नेपाल का नागरिक और भारत का नागरिक दोनों ही एक दूसरे के देश में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के बड़े आराम से आ जा सकते हैं। भारतीयों और नेपालियों में एक बात को लेकर बड़ा ही मतभेद है। वो मतभेद यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म आखिर कहाँ पर हुआ, नेपाल में हुआ है कि भारत में हुआ है। नेपाल की इनकम का एक बड़ा स्रोत माउंट एवरेस्ट को देखने वाली टूरिस्टों से आता है। जब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, तब नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर था, लेकिन जब से नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार आई है, तब से वो भारत से दूरी और चीन से नज़दीकियां बना रहा है। अब चाइना काफ़ी सारा पैसा नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल की गोरखा जाति बहुत ही बहादुर जातियों में से एक है, इसीलिए इंडियन आर्मी के गोरखा बटालियन में नेपालियों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।